नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। बिहार में जारी सियासी घमासान के बीच में अब नीतीश कुमार के सामने सरकार बचाने की सबसे बड़ी समस्या सामने आ गई है। ऐसे में आइए जानते हैं नीतीश कुमार के सामने ऐसी कौन सी समस्या है जिससे निकलते हुए अपनी सरकार को भी बचाना है। बिहार में जारी सियासी उठा पटक के बीच में NDA कमजोर दिख रहा है। इसी का नतीजा है कि बिहार में विपक्षी पार्टी राजद लगातार NDA पर हमलावर है। राजद तो अब खुले तौर पर यह कहने लगी है कि नीतीश कुमार बहुत जल्द महागठबंधन के हिस्सा होंगे। बिहार NDA में नीतीश कुमार छोटे भाई की भूमिका में है। ऐसे में जदयू के सामने मुश्किल स्थितियां पैदा कर रही है। ऐसे में CM नीतीश कुमार के सामने सरकार और पार्टी को लेकर दोहरी चुनौती है। नीतीश कुमार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि वह सरकार पर नियंत्रण कैसे करें। बिहार सरकार पर नियंत्रण का मतलब है कि नीतीश कुमार को जब मंत्रिमंडल का विस्तार करना होगा तो जदयू के ज्यादा विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल करना होगा। आपको बता दें कि प्रदेश में जदयू के विधायकों की संख्या 43 है और अगर इसी अनुपात में मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो मुश्किल यह भी होगी कि BJP के मंत्री ज्यादा होंगे और जदयू के कम होंगे। ऐसे में सरकार के ऊपर नीतीश कुमार का नियंत्रण कैसे होगा यह देखना दिलचस्प है। बताया जा रहा है कि खरमास के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। नीतीश कुमार के सामने दूसरी सबसे बड़ी चुनौती होगी सुशासन की छवि को वापस लाना। नीतीश कुमार जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो उसी समय से सुशासन को लेकर एक्शन में रहे थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अपराधियों ने पुलिस को खुले तौर पर चैलेंज दिया है। ऐसे में नीतीश कुमार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि 2005 से 2010 की सरकार वाली छवि को एक बार फिर से बिहार में लाना। आपको बता दें कि अगर नीतीश कुमार 2020 में एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं तो इसमें सुशासन की छवि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसे में पिछले कुछ दिनों से बढ़ रही आपराधिक घटनाओं के बाद यह देखना है कि नीतीश कुमार कैसे कानून व्यवस्था को फिर से पटरी पर लाते हैं। नीतीश कुमार के सामने तीसरी सबसे बड़ी चुनौती है मजबूत विपक्ष का होना। यह पहली बार हो रहा है कि बिहार में विधानसभा में नीतीश कुमार के सामने इतना मजबूत विपक्ष है। 243 विधायकों वाले इस सदन में 115 विधायक विपक्ष में हैं। ऐसे में सरकार के द्वारा किसी भी विधेयक को आसानी से पास करा लेना एक समस्या होगी। आपको बता दें कि इस साल सरकार का बजट आने वाला है और इस बजट में विपक्ष किन मुद्दों पर सरकार को घेरती है और सरकार बचने के लिए क्या क्या कुछ करती है ये देखने वाली बात होगी। नीतीश कुमार के सामने चौथी सबसे बड़ी चुनौती होगी उनके सहयोगी नीतीश कुमार को अपने दोनों सहयोगी यानी जीतनराम मांझी और मुकेश सहनी को साथ में लाना। लेकिन मांझी बार बार यही कहते हैं कि हम NDA सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन पिछले दिनों मांझी का तेजस्वी के प्रति प्रेम देखकर यही कहा जा रहा है कि उनका मन कभी भी डोल सकता है। इधर मुकेश सहनी के बारे में कहा जा रहा है कि लालू परिवार से काफी करीबी है। राजद ने उन्हें पहले भी डिप्टी CM और एक मंत्री का पद ऑफर कर चुका है। नीतीश कुमार के सामने इन दोनों नेताओं को 5 साल तक अपने साथ रखना एक सबसे बड़ी चुनौती होगी। नीतीश कुमार को अपने पार्टी का विस्तार करना भी एक बड़ी चुनौती होगी। अब यह जिम्मेदारी RCP सिंह के कंधे पर आ गई है। ऐसे में अब पार्टी की इच्छा है कि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ पार्टी दूसरे राज्यों में विस्तार करे। पिछले दिनों अरुणाचल प्रदेश में जिस तरह से जदयू के सांस में से 6 विधायक BJP में शामिल हो गए, उसके बाद से लग रहा है कि कहीं जदयू बिहार के बाद दूसरे राज्यों में अपना अस्तित्व भी न खो दे। हालांकि जदयू पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने के मूड में है। इससे पहले झारखंड और दिल्ली में भी चुनाव पार्टी लड़ चुकी है। ऐसे में पार्टी विस्तार करना नीतीश कुमार के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। अरुणाचल प्रदेश की घटना के बाद पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं में नाराजगी और गुस्सा दोनों देखने को मिल रहा है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प यह है कि नीतीश कुमार बिहार के साथ ही बिहार के बाहर अपनी पार्टी का विस्तार किस तरह से करते हैं और बिहार में अपनी सरकार को किस तरह से बचा पाते हैं। बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।